नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम चौहान। आप देख रहे हैं दिल्ली की बात प्रेम के साथ। दोस्तों, आखिर नेपाल में बार बार क्यों डोल रही है धरती, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पिछले कई महीनों से नेपाल में भूकंप आ रहे हैं, जिसका कंपन भारत में भी महसूस किया जा रहा है। बीते 3 नवम्बर को ही वहाँ पर 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचा दी। आइए जानते हैं वहाँ क्यों बार बार आ रहे हैं भूकंप, भूकंप के नजरिए से नेपाल की मौजूदा स्थिति क्या है जानते हैं। पश्चिमी नेपाल में मौजूद भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा, लगभग 10 भूकंप रोज आ रहे हैं पश्चिमी नेपाल में। रिक्टर स्केल में 2 की होती है इनकी तीव्रता। पिछले कुछ महीनों से लगातार हिल रहा है नेपाल। 500 सालों से जमा हो रही भूकंपीय ऊर्जा, हिमालयी क्षेत्र में पैदा हो रही है भूकंपीय दरारें, नेपाल में मिलती है तिब्बती और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेटें एक सदी में आती है, एक दूसरे के तकरीबन 2 मीटर पास। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया में आए अब तक के सबसे बड़े भूकंपों पर। 22 मई 1960 वाल्डिविया साउथ चिली भूकंप 9.5 रिक्टर स्केल के भूकंप में 30 मीटर से ज्यादा खिसकी थी टेक्टोनिक प्लेटें। 27 मार्च 1964 ग्रेट अलास्का भूकंप 9.2 रिक्टर स्केल के इस भूकंप में लगभग 4 मिनट तक हिलती रही थी धरती। 2004 हिंद महासागर सुमात्रा अंडमान भूकंप, जिसकी तीव्रता 9.2 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी, सबसे मारक सुनामी इसी भूकंप से आई थी। आइए जानते हैं 2023 के कुछ बड़े भूकंपों के बारे में। 2023 में 6 फरवरी को तुर्की सीरिया भूकंप आया था, जिसमें 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी। 2023 में 8 सितंबर को मोरक्को में 6.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें लगभग 3,000 मौतें हुई थी। 2023 में 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान में 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2023 में 3 नवंबर को नेपाल में 6.4 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आइए अब जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख भूकंप जोनों के बारे में। जोन 1, जिसमें सबसे कम खतरा होता है, जिसमें उड़ीसा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र आता है। जोन 2, जिसमें भूकंप आने की संभावना होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु, राजस्थान व मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। जोन 3, यहां आते रहते हैं भूकंप के झटके, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, बिहार, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। जोन 4, यहां पर भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके और बिहार नेपाल सीमा के इलाके, मुंबई दिल्ली आते हैं। जोन 5, यह सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है, जहां भूकंप कभी भी आ सकता है और बड़ा भूकंप आने की संभावना यहां पर हमेशा बनी रहती है, जिसमें गुजरात का कच्छ, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत। बड़े भूकंप आने के नजरिए से यह इलाके बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि नेपाल में आने वाले भूकंपों का इंडिया से क्या है कनेक्शन। उत्तराखंड के नजदीक है पश्चिमी नेपाल। 500 सालों से देहरादून से 800 किलोमीटर ईस्ट में नहीं आया है एक भी बड़ा भूकंप। यहां भी जमा हो रही है बड़ी भूकंपीय ऊर्जा। यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ रही है इंडियन प्लेट। हर साल 2 सेंटीमीटर की है इसकी स्पीड। इससे हिमालय क्षेत्र में पैदा हो रही है बड़ी बड़ी दरारें। हमारी धरती की बार बार डोलने की क्या है वजह? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की 4 परतें होती हैं, जिसमें पहली परत होती है क्रस्ट की, दूसरी परत होती है मेटल कोर की, तीसरी परत होती है आउटर कोर की और चौथी परत होती है इनर कोर की। ये परतें लगभग 50-50 मील की मोटाई जितनी होती है और उनके घूमने टकराने पर आता है भूकंप। बड़े बड़े निर्माण कार्य भी हैं भूकंप की वजह। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।